भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा एक दिवसीय प्रवास पर भिंड जिले के कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले लहार विधानसभा क्षेत्र के मछंड मंडल रायपुरा में बूथ विस्तारक के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करने पहुंचे थे। इससे पहले बीडी शर्मा ने दंधरौआ धाम पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन किए और वहीं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से पूछा गया कि लहार विधानसभा जहां से डॉक्टर गोविंद सिंह 7 बार के विधायक हैं और लहार विधानसभा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, क्या उसी भेजने की तैयारी चल रही है। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा बड़ा राजनीतिक और राष्ट्रीय दल है। रही बात लहार की तो लहार में भाजपा का परचम लहराएगा बीडी शर्मा के साथ राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष नाथू गुर्जर, सांसद संध्या राय के साथ कई भाजपा के दिग्गज नेता शामिल रहे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का भाजपा युवा नेता विष्णु सिंह कुशवाहा ने मिहोना में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ स्वागत किया। इसके अलावा लायक सिंह कुशवाहा के साथ कई भाजपा नेताओं ने भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के काफिले का जगह जगह जोरदार स्वागत किया। बूथ विस्तारक योजना में मछंड मंडल के अंदर बूथ क्रमांक 41 की बैठक है, उस बैठक में अभी पहुंच रहा हूं मैं। और भारतीय जनता पार्टी का इस बार संगठन पर्व के वर्ष पर प्रत्येक बूथ को सक्षम बनाकर 51% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संकल्प है, उस अभियान में ये 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक हर कार्यकर्ता बूथों पर जाकर के बूथ को सशक्त बनाने का काम कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसा दल है जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। केंद्र से लेकर के जिसकी राज्य सरकारों में 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शासन व्यवस्था में हैं। कहाँ हम कमजोर हैं वहाँ सशक्त बनाना हमारा काम है, हम अपने काम की समीक्षा करते हैं। इसलिए सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी लहार हमारे लिए कोई अलग नहीं है। लहार को भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा और बहुत ताकत के साथ फहरेगा।